हेलो एवरीवन, नीटी पाए में आपका स्वागत है। आज हम एनिमल टिश्यूज के एग्जांपल्स को विद सम ट्रिक्स याद करने की कोशिश करेंगे इन जस्ट 10 मिनट्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। एनिमल टिश्यूज बेसिकली के 4 तरीके के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। इसे आप सीमेन निमोनिक के साथ याद कर सकते हैं। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल एपिथेलिया, कंपाउंड एपिथेलिया। तो सिंगल लेयर्ड सिंपल एपिथेलिया होते हैं, मल्टीपल लेयर्ड कंपाउंड एपिथेलिया होते हैं। सिंपल एपिथेलिया बेसिकली के 3 टाइप के होते हैं, जिसे हम SRK कट्स केक के साथ याद रखेंगे। SRK का S है स्क्वैमस के लिए, कट्स का C क्यूबॉइडल के लिए, केक का C कॉलमनार के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, इसका पहला टाइप है सिंपल स्क्वैमस, जिसे हम ब्लेम के साथ याद रखेंगे। बी फॉर बोमेंस कैप्सूल, एल इज फॉर लंग्स जिसे हम एल्वियोलाई भी कहते हैं, ई गोज टू एंडोथीलियम एंड एम इज फॉर मीजोथीलियम। आई होप आपको निमोनिक्स ईजी लगेंगे। बी आ जाता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल के लिए, जिससे हम याद रखें कार्तिक गिफ्टेड डोनट्स। कार्तिक का K है किडनी ट्यूब्यूल्स के लिए, गिफ्टेड का G है गोनाड्स के लिए, ओवरी एंड टेस्टिस। डोनट्स का D है डक्ट ऑफ ग्लैंड्स के लिए। सी कम्स फॉर सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल। IG यानी कि इंस्टाग्राम्स बिगेस्ट सुपरस्टार ईशान एंड रणबीर। IG जिसका I है इंटेस्टाइन के लिए, G है गॉल ब्लैडर के लिए। बिगेस्ट का B है ब्रेन के लिए, सुपरस्टार का S है स्टमक के लिए। ईशान यानी कि ईशान खट्टर का I है इनामद के लिए। रणबीर कपूर का R है रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए। नेक्स्ट कम्स कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। दिलजीत सुपरहिट सॉन्ग बॉर्न टू शाइन एंड पटियाला पैग। दिलजीत का D ड्राई के लिए, सुपरहिट का S स्किन के लिए, सॉन्ग का S सरफेस के लिए। बॉर्न का B बक्कल कैविटी, शाइन का S सलेवरी ग्लैंड, पटियाला का P फैरिक्स के लिए, पैक का P पैनक्रियाटिक डक्ट के लिए। आई होप दिस विल बी ईजी फॉर यू। देन कम सेल जंक्शन। सेल जंक्शन बेसिकली सेल्स के बीच में पाए जाते हैं, अटैचमेंट्स कह सकते हैं हम किसी तरह से नहीं, जिसे हम टैग से याद करेंगे। टैग का T टाइट के लिए होगा, A का होगा अडहेरिंग के लिए, G इज़ फॉर गैप जंक्शंस। इनके फंक्शंस हम LCC के साथ याद करेंगे। L इज़ फॉर लीकेज, ये सेल्स के बीच लीकेज को रोकता है, टाइट जंक्शन। C इज़ फॉर सीमेंटिंग, अडहेरिंग जंक्शन सीमेंट करता है एंड गैप जो है कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, गैप जंक्शन। नेक्स्ट कम्स कनेक्टिव टिश्यू, इसके टाइप हम LSD के साथ याद करेंगे। L इज़ फॉर लूज कनेक्टिव टिश्यू, S गोज़ फॉर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, D गोज़ फॉर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज मतलब जो सेल्स हैं, फाइबर्स हैं, लूजली अरेंज्ड हैं। डेंस मीन्स कम्पैक्टली, टाइटली अरेंज्ड हैं फाइबर्स एंड सेल्स। तो सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू को देख लेते हैं। तो ये फर्दर 2 टाइप के हैं, एरोलर एंड एडिपोस, जिससे हम एडम्स एप्पल के दोनों के AA के साथ याद करेंगे। एडम का एरोलर के लिए है, एडिपोस का एप्पल के A के साथ याद करेंगे। तो एरोलर अंडर स्किन पाए जाते हैं, फ्रेमवर्क में हेल्प करते हैं। एडिपोस स्टोर फैट करने में और न्यूट्रिएंट्स जो एक्सेसिव होते हैं उन्हें स्टोर करने में हेल्प करते हैं। सेकेंड इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जो 2 टाइप के हैं, जिसे हम देवदास के साथ याद रखेंगे। डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो पहले आ जाते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज पर। तो ये टेंडन्स और लिगामेंट्स में पाए जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस जो एग्जाम में आता है वो टेंडन और लिगामेंट के फंक्शन पर आता है। तो टेंडन का फंक्शन हम सितंबर से याद करेंगे, जिस सितंबर का S है स्केलेटल मसल्स के लिए। जो कैपिटल T लिखा हुआ है वो टेंडन्स के लिए है, जो कैपिटल B लिखा हुआ है वो बोन्स के लिए है, यानी कि टेंडन कनेक्ट्स स्केलेटल मसल्स टू बोन। आई होप इससे आपको इजी हो जाएगा। आगे बाइबल, जो बाइबल का B है वो बोन के लिए है, जो 3rd B है वो भी बोन के लिए है। L इज़ फॉर लिगामेंट्स,
जिससे हमें ये पता चलता है बोन कनेक्ट्स टू बोन थ्रू लिगामेंट्स। सितंबर एंड बाइबल। आगे आ जाते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इनमें फिब्रोब्लास्ट और कोलेजन पाए जाते हैं। नेक्स्ट कम्स द थर्ड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। इसे हम बच्चन बाय कार से याद रखेंगे। बच्चन का बी बोन, बाय का बी ब्लड, कार का सी कार्टिलेज। आगे आते हैं न्यूरल टिश्यू, सॉरी मस्कुलर टिश्यूज, जिसे हम याद करेंगे एसएससी एग्जाम से। तीन टाइप के होते हैं, पहला एसएस स्केलेटल के लिए, दूसरा कैपिटल एस आएगा स्मूथ के लिए, और सी आ जाएगा कार्डियक मसल्स के लिए। स्मूथ जो है एसबीआई, स्टमक ब्लड वेसल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। कार्डियक तो सबको ही पता है, हार्ट में पाया जाता है। आगे आ जाते हैं न्यूरल टिश्यू, इसे हम कैसे याद करेंगे। कोड है नर्वस, नर्वस का जो कैपिटल एन है वो है न्यूरॉन के लिए, दैट इज द यूनिट ऑफ न्यूरन न्यूरल सिस्टम। ई जो है वो है एक्टोडर्म के लिए, क्योंकि जो न्यूरल टिश्यू है वो एक्टोडर्म ओरिजिन के होते हैं। आगे न्यूरल टिश्यू में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो हम याद करेंगे नीरू बाजवा नेशनल सुपरस्टार से। नीरू का एन है न्यूरोजीलिया के लिए, बी है ब्रेन के लिए, नेशनल कैन है नर्व सेल्स के लिए, सुपरस्टार कैस है स्पाइनल कॉर्ड के लिए। द न्यूरल टिश्यू इंक्लूड्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व सेल्स एंड न्यूरोजीलिया एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म व्हिच इज एक्सटर्नल जर्म लेयर। नीटी पाए, आई होप आपको वीडियो में बताई गई ट्रिक्स हेल्पफुल होंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर डेली अपडेट्स। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में बताना अगला कौन सा टॉपिक बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स का नीट के रिलेटेड मैं कवर करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।